भाषा ट्रेनर उन सबको प्रतिनिधित्व करते हैं कि निर्वाचन की क्या महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, निर्वाचन कैसे करना चाहिए, और ये नाटक बुंदेली लोक नाट्य स्वांग है, तो आपको निश्चित रूप से मजा आएगा। लोक नृत्य नाट्य का इसमें समन्वय है। तो बस दो तीन मिनट बाद हमारी जैसे ही मैम उपस्थित हो रही है, हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रतिनिधि के माध्यम एडीसी काउंटर्स के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी अनुरोध है, और काउंटर्स पर जो मतदाता है उनसे भी अनुरोध है। तो लीजिए अपनी बीच प्रस्तुत है, अब है मेरे वोट की बारी। सबसे पहले अपने गुरुजनन को प्रणाम करते हैं। वाक्य बात कौनू काम करते हैं। बुंदेलखंड की विलुप्त होती लोक नाट्य परंपरा स्वांग शैली पर आधारित नाटक अब है मेरी वोट की वारी का मंचन करवे से पहले क्यों ना ग्वालियर की शीतला माता को सुमन ले। तो क्या कब है माता रानी से आगे वो है कि रखियो मोरी रखियो मोरी रखियो मोरी मुखिया जू की बैठक में बैठो थानेदार कच्ची तो गड़बड़ है। अब हमारी चल लो। हाँ बड्डे दद्दा बैठे नदी किनारे दद्दा बैठे नदी किनारे सबरे सो गई सब कच्ची तो गड़बड़ है। वोट डालवे नहीं जा रहे? अरे भैया हम ना जा रहे वोट मोट डालवे। अरे का हो जे बूट डारवे से कच्चू मिल ले तुम्हें। अरे जो बताओ हमारी गैया हम रखा रहे हमारे खेत हम रखा रहे बूट डारवे से का हो जे। अरे यार कच्चू ना कच्चू तो मिल ले तुम्हें। अरे तो भैया पैसा तो अपन हैं कमा ले। अरे हाओ कैसे हो जाए खेत। चल बता बादशाह अंदर का बाहर बाहर चल अंदर आ। अरे यार हमने खेला तुम चीटिंग करा दी। हमें तो पैसा चाहिए तो हमारे पास है नहीं है पैसा। कच्चू तो है पेटीएम फोन पे गूगल पे उठाओ हमारी गाँव की लुगाई छेड़ लो। गाँव की लुगाई नहीं छेड़ लेता हूँ तो भाव का जैसे ही सवेरे सवेरे इन द मॉर्निंग हम अपने घर से निकले देखो कि एक कॉली बनाई तुमने कमाई एक कॉली बनाई हम रास्ता काट गए। यार हमने कही जो तो आपसे होगा हो।
तुम गांव की लुगाई ये नहीं छेड़ रहे थे दाव, हम तो अपने बिलऊ को भगा रहे थे। तोरी भैंस हमारे इनकी भैंसन के संगे नाचा रहे नाचा रहे जा सके तुम हो रलुआ हो, और तुम्हारी भैंसे हम चराएं, तुम्हारे खेत हम रखाएं, और तुम भैया वोट डार भेजे हो। कोई वोट तो सभी डालना चाहिए, सबको अधिकार है। हम जा रहे तुम कहा नहीं जा रहे वोट डार, हमें जाने नहीं है। कहा हो रहा वोट डार भेजे से बचे हम, चले पक्का बता दिए। हाँ कह दीजिए, नहीं डाल रहे। राम 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 बैरन हो गई अम्मा एक बात बताओ, वोट डाल में तुम अकेली भी जा सकते हो, हमें संगल ले जा के वोट डरवाओ जरूरी है का? अच्छा तो सुनो, लोकतंत्र का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार होता है, तुम्हारा अधिकार है, 18 वर्ष की हो गई हो, समझोगी या नहीं? हाँ अम्मा, पर जैसे होगा का? अरे होगा का, अच्छी सरकार आएगी, अच्छी अच्छी योजनाएं लाएगी, तभी तो जीवन अच्छे से गुजरेगा। बात तो तुम सही कह रही, फिर तो हम वोट डाल में जरूर जाए, दोनों साथ में वोट डालेंगे। तो चलो देर हो रही, खानदानी पार नहीं करी वोट डाल में जाने, खाना पका बनाओ, कढ़ी 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 जिंदगी कढ़ी बना दी तुमने, भगाओ कढ़ी। हल्के मट्टी कह रहा है वोट डाल में नहीं जाने, ये जा रहे वोट डाल में, हम समझ रही हो वोट डाल ना डाल, तुम लोग सब जा रहे हो वोट डाल में, हम नहीं जा रहे। अरे सरकार अच्छी बने बेकार बने और काम करे ना करे, हम आदमी को कहो ये कछु नहीं होने, हम नहीं जा रहे वोट डाल में। मोड़ा कहाँ का होगा खटका तो वे कह रहे हैं थे बेटा अर्जुन तुम हो गए 18 के। हाँ तो जुआ खेलो। नहीं पापा सट्टा खेलो। अरे नहीं पापा। तो दारू पी कह रहे हैं। अरे नहीं पापा। तो कह रहे थे, कह रहे थे 18 के हो गए तो वोट डाल में जाइयो। सुनो तुम्हारे मत सब पगल आ गए, वोट डाल कच्चू नहीं होते, समझ रहे तुम तो जो लो सौको बेड़ा ताल जाओ, कटोरा ताल जाओ, बड़े घूमो टिक्की पियो, समझ गए? इनसे कच्चू नहीं होने, माँ सबसे के हमने बोली वोट वोट ना देना, ठीक है? चले जाओ। वो डर बेचे हैं। अरे सुनो रे सुनो रे सुनो रे, सरपंच जी ने आज बैठक रखी है तो सभी जनन को आने हैं, तो ध्यान से आ जाइयो। अरे सुनो सुनो सरपंच जी आ रहे हैं। राम 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 राम। और सब बढ़िया है? हाँ तो भैया हरो, हम पता है आप औरंग के पास कहाँ आए, हमें एक बात बताने थी बहुत जरूरी। कहा भाव की पिछले 2-3 साल से अपने गांव के जो लोग है ना वे वोटिंग वाली तरह वोट नहीं डाल रहे। हाँ तो आप और उनको वोटिंग को महत्व बतावे के लाने हमने शहर से PLO साहब को बुलाओ है। हाँ वे आपको वोटिंग को महत्व बताए तो भाई जैसो जैसो आप और उनको समझाए सब और समझ जाइयो। हाँ गलती नहीं होने चाहिए। हाँ आई रहे हुई रास्ते में है वे। नमस्कार सरपंच साहब। आइए आइए आइए। सरपंच साहब ने आपको बता दिया होगा कि हम लोग क्यों आए, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, हम लोग निर्वाचन के बारे में सही सही जानकारी देने के लिए आए। आप लोगों को पता है आज भी हमारे देश में 30% से ज्यादा लोग वोट देने नहीं जाते। जी हाँ सोचिए, अगर ये लोग वोट देंगे तो हमारा देश कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि जहाँ भी जिस दिन आपका मतदान हो अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट अवश्य दें। मैडम जी हमारा एक सवाल था। हाँ पूछिए। अगर हम वोट ना दें तो इससे क्या होगा और वोट देने से फायदे क्या हैं? सही बात है। अरे भैया जी आपके वोट देने से इतने फायदे हैं मैं बताती हूँ। देखिए आप अगर वोट देंगे तो एक अच्छी सरकार आएगी, अच्छी सरकार से नई नई योजनाएं लेकर आएगी और सुविधाएं लेकर आएगी, जैसे कि बिजली पानी सड़कें
और शिक्षा और नए रोजगार लेकर आएगी, इससे आपको काफी फायदे हैं। तो आप सब वोट देने जरूर जाएंगे ना? जरूर जाएंगे। मैडम मेरा सवाल है, ये तो मैं समझ गया कि वोट दे वो काहे जरूरी है, एक सवाल और है कि अगर मैं कोनू पार्टी है वोट ना दे तो मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं भैया जी, अगर आपको अपना वोट किसी भी पार्टी को नहीं देना तो आप मतदान केंद्र में जाकर नोटा का बटन दबाएं, जिससे कि यह होगा आपका वोट किसी भी पार्टी को नहीं जाएगा, लेकिन आपका मत का अधिकार वहां तक जरूर पहुंचेगा। और तो और अपने मोबाइल पर आप चुनाव आयोग द्वारा चलाया हुआ वोट मोबाइल में ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि उस चुनाव की सारी जानकारी आपको घर बैठे ही आपको प्राप्त हो सकती है। और तो और वोटर कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। साहब मुझे जो मोबाइल चलावो तो आत नाम है, कहीं मैं क्या करूँ? तो आप ऐसा कीजिए कि अपने BLO के पास जाकर और फोन नंबर 6 भरकर उसे जमा कर दीजिए, और सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर भी चलाया जा रहा है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप नंबर लिख सकते हैं 100 9504 1005 04 दीदी सवाल है, हमारी अम्मा अंधी है, वो वोट कैसे दे पाएंगी? कोई परेशानी नहीं, देखिए आप दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए मतदान केंद्र में प्लेन लिपि से द्वारा बैलेट शीट की सहायता से वोट डाल सकती है। समझ आया? अच्छा ठीक है दीदी। अरे साहब हमारे दादा 80 साल के हैं और विकलांग हैं, तो वो वोट दें कि नहीं दें? सही सवाल किया आपने, 80 साल के या उससे अधिक व्यक्तियों के लिए घर पे ही वोट देने की व्यवस्था की गई है, और जो भी व्यक्ति शिथिलांग या विकलांग है उसके लिए मतदान केंद्र पर व्हील चेयर और रैंप की व्यवस्था की गई है। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी सारी बातें समझ में आ गई है। तो भैया आ रहे सब और समझ गए, वोट डाल भी दे। चलो ठीक है, राम राम। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? तो भाइयों और उनकी बहनों, बहने ही हैं आपस में आप लोग, तो कैसे हो सालों? सालों के बाद आया हूँ, कैसे हो? तो भाइयों बहनों आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम इतने सालों से सत्ता से दूर रहे, तो हमने आप लोगों की इतनी परेशानियां देखी, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों को हमें जिताना होगा, वोट देना होगा। क्यों नहीं देंगे? अरे हम आपके लिए इतनी सुविधाएं जो लाए हैं, अरे महिलाओं की सुरक्षा, गरीबों को पढ़ाना, अरे खाना पीना सब देंगे, पूरा शहर पानी पानी कर देंगे, अरे मतलब घर घर में पानी होगा। तो आप लोगों के लिए हम थोड़े थोड़े तोहफे भी लाए हैं, सबको मिलने चाहिए, हमारी जनता है प्यारी प्यारी, सबको मिल गए। ये मत सोचिएगा कि हमने आपको खरीद लिया, अरे नहीं, ये तो हमारा प्यार है आप सभी के लिए। तो जानते हैं हमारा क्या चुनाव चिन्ह है? और हमारा चुनाव चिन्ह देसी कच्ची सबसे अच्छी, जनता हम ही को वोट दे। नमस्कार। हमारा नेता कैसा हो? भल्लू भैया कैसा हो? भल्लू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाँच मिनट और पाँच मिनट परिणाम आने वाला था। अरे वो तो गांव वाले ही बताएंगे नेताजी। अरे जीत गया भाई, जीत गया।
जिंदाबाद जिंदाबाद कल्लू भैया जिंदाबाद कल्लू जीत गया कल्लू जीत गया भाई और बहनों आपकी मेहनत रंग लाई और हमें जिता दिया आप लोगों ने। अब आपकी सारी समस्याएं मेरी समस्याएं होंगी। आपको मेरी जरूरत रात के 2 बजे पड़े तो हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। आइए कभी भी आइए। नेताजी नेताजी आप लोगों अरे क्या हो नेताजी भैया नेताजी से मिला। ए यार तुम कौन है भैया? देखिए ना हमारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। नेताजी ने कहा था कि रात में 2 बजे भी जरूरत पड़े तो आ जाना। अब मिलवा दीजिए। आइए क्या अस्पताल है ले आए तुम उसको? नेताजी आखिरी सहारा है, मिलवा दीजिए ना। हम पैर पड़ रहे हैं। आ जाइए भाई नेताजी। क्या हुआ भाई? नेताजी देखिए ना हमारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। अरे तो इसे अस्पताल ले जा। हमारे पास क्यों लाए हो? अस्पताल? अरे अस्पताल 50 किलोमीटर दूर है और इतनी रात में ले जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, कैसे ले जाओ? तो हम अपनी गाड़ी दे दे क्या? देखो इन 2 कौड़ियों के आदमी को हम अपनी गाड़ी दे दे। अरे और जब वोट मांगने आए थे तब तो आपकी ये बोली नहीं थी, अब क्या हो गया? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं हमसे? अरे हमने आपको वोट दिया है। अरे तो वोट दिया है तो खरीद लिया क्या? तुम खरीदे गए हो, तुम्हें सामान दिया, इतना कपड़े दिए, दारू दी, खाना दिया, पीना दिया, तुम गए क्या? खरीदे नहीं दिया हमें तुम्हारा वोट। 2 कौड़ी के लोग हमें खरीदने चले, इन्हें उंगली क्या पकड़ा, हाथ पकड़ लेते हैं। अरे 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 जाओ, ये तमाशा नहीं चाहिए मुझे। चलिए जनता हमें और भी काम है। बड़ा ही ट्रेजेडिक एंड कर रहे हैं। ये सब मेरी गलती। अगर चंद रुपयों के चक्कर में आकर अरे मैंने अपना कीमती वोट नहीं बेचा होता तो शायद मुझे ये दिन में देखना पड़ता। अरे हमने अपना अधिकार नहीं समझा। हमारे एक वोट में इतनी ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते। हमने उनसे कुछ नहीं सवाल किया कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। बस चंद रुपयों और शराब के चक्कर में आकर बेच दिया आपका वोट और आज देख लीजिए हमारी हालत। हमें सड़क के किनारे मरने को छोड़ दिया। इसमें आप ही की गलती है। में अगर लालच में आकर अपना वोट आप बेचते नहीं, दारू के लिए अपना वोट देते नहीं तो आपका ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो उससे पूछते हैं साहब एक साबुन दे दीजिए, साबुन झाग कितना देगा, कितने दिन तक चलेगा। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछते हैं उससे कि हम कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। तो इन नेताओं से क्यों नहीं पूछते कि आने वाले 5 साल में जीतने के बाद हमारे लिए क्या क्या करेंगे? लेकिन अब ये नहीं होगा, जनता के लिए, जनता के शासन से, जनता के द्वारा ही होगा। ये आइए हम लोग इसके बाद शपथ लेते हैं। हम लोग भारत के संविधान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करेंगे और अपना मत किसी भी लालच में आकर बेचेंगे नहीं। धर्म जाति भेदभाव भाषा में आकर अपना मताधिकार का गलत उपयोग नहीं करेंगे जय हिंद जय हिंद जय भारत। बहुत 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 धन्यवाद मैम। मैं आदरणीय मैम से अनुरोध करूंगा, मैम प्लीज दो शब्द बोलो। सभी को बहुत पहले तो नमस्कार। हमारा आज लास्ट ट्रेनिंग का सेशन है अभी, तो पिछले बार भी हमने इस तरह का एक कार्यक्रम हमने किया था लास्ट सेशन के टाइम पे, और इस बार एक अच्छा
एक हमको एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुति हमको देखने को मिल गया जो हमारा एक दूसरे मास्टर ट्रेनर के कारण एंड सभी को जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छा आप लोगों ने किया बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों ने दिया है और इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी ऊर्जा को लेके हुए आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारा लास्ट जो सेशन है उसको हम अच्छे से हम करें और आगे जो हमारा चुनाव का तारीख बस उल्टी गिनती चालू हो गई है आज सेकेंड में हो गया 10-5 दिन बाकी और 6 तारीख को हम मिलेंगे हमारे पार्टियों के लोग जो मतदान दल करनी है उनसे अब 6 तारीख को मिलेंगे माइक्रो ऑब्जर्वर से भी एंड 7 तारीख को अच्छे से हम चुनाव का निष्पादन करना है इसके पूरी उम्र के साथ सबको मेरी सारी शुभकामनाएं एंड स्पेशल थैंक्स आपको पूजा जी चतुर्वेदी जी सक्सेना जी आशुतोष जी और जादव जी तिवारी जी एंड मेरे बाकी जितने भी मास्टर ट्रेनर्स की पूरी टीम जो सामने है सभी को मेरी सारी शुभकामनाएं धन्यवाद एज यूजुअल आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया उनको रिकॉर्ड टाइम में हमने अच्छे से हमने किया और इस बार आई थिंक ज्यादा व्यवस्थित तरीके से कर पाए इसलिए मेरी सारी शुभकामनाएं थैंक यू सो मच मैम आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और खालसा को भी बहुत ओझा सर को भी बहुत दिल से धन्यवाद अपना परिचय दे दिया आप सभी की जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए जी मैम थैंक यू सो मच एक भी फोटो मैं कर रहा हूँ रजत रजत सिंह मैम एक खुद फोटो हो गए मैं तो आ गया आइए सर प्लीज आइए ना सर सर आइए सर सभी मास्टर ट्रेनर आ जाए प्लीज सभी मास्टर ट्रेनर प्लीज आ जाए बच्चे बैठ जाइए आइए सर हमारे आशुतोष सर प्लीज तुम चले